सोलन में बिजली का बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये संकेत बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता ने दिए। इसलिए बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश बिजली बोर्ड द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को दे दिए गए हैं। फिलहाल विभाग द्वारा अभी उपभोक्ताओं को चेतावनी दी गई है। अगर चेतावनी के बाद भी उपभोक्ता बिजली के बिलों को समय पर जमा नहीं करवाते तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये चेतावनी अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने मीडिया को दी। अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने कहा कि बिजली बोर्ड के बिलों के कुछ उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवा रहे, जिसके चलते करीबन 60 लाख रुपए का बकाया अभी बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से लेना है। विकास गुप्ता ने बताया कि इस बारे में उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन नोटिस के बाद भी उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं करवाए, इसलिए विभाग अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। जो भी उपभोक्ता बिल जमा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उसका मीटर काट दिया जाएगा। सर, सोलन में जो अभी इस साल जो बर्फबारी 4 तारीख को दिन मतलब 3-1 बजे के बाद में जो हुई थी, तो सोलन में हमारे जो मेरे डिवीजन में इलेक्ट्रिकल डिवीजन सोलन के अंतर्गत हमारे 5 सब डिवीजन आते हैं, तो इन 5 सब डिवीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा हुआ है वो चायल क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद में बड़ोग में भी काफ़ी हमारा नुकसान हुआ लाइनों का, और पोल भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, और जो सोलन शहर में है यहाँ पर भी बिजली काफ़ी देर बंद रही। तो नुकसान जो लगभग हमारा जो सोलन डिवीज़न का है हमारे, तो सोलन डिवीज़न में लगभग हमारा 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजली के जो डिफरेंट हमारे पोल्स टूटे हैं, ट्रांसफार्मर कुछ 5 से 6 ट्रांसफार्मर हमारे जले भी हैं, और लगभग 120 के बीच में जो हमारे पोल टूटे हैं। लाइनें हमारी कम से कम 40 किलोमीटर जो लाइन है, कंडक्टर जो है वो टूट गया था, तो उनको हमने रिपेयर भी किया है, कंडक्टर को हमने ज्वाइंट भी किया है, नया कंडक्टर भी डाला है, पोल्स भी मैक्सिमम अभी हमने रिप्लेस कर दिए हैं। तो बिजली जो हमारी है वो 9 तारीख को हमने लगभग सारा सोलन चायल और सारा क्षेत्र हमने चला दिया था। सर एक्चुअली ये तो हमारी सारी ड्यूटीज हैं कि हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। स्थानीय जनता कहीं पे खुश भी है, कहीं पे थोड़ी सी नाराज भी है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम 11 केवी की लाइंस को हम सबसे पहले रिस्टोर करते हैं, उसके बाद में हमारे को ट्रांसफार्मर्स अपने रिस्टोर करने हैं, और उसके बाद में हम एलटी लाइंस और इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो जो असल में जो जो एंड कंज्यूमर को जब तक बिजली नहीं पहुंचती तब तक तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। हमारी कोशिश तो यही रही थी कि हम जल्दी से जल्दी वो करें। कुछ लोग सेटिस्फाइड भी हैं, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ जगह अप्रिसिएशन भी मिली है, चायल एरिया में भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि चायल में जिस हिसाब से नुकसान हुआ है लोकल अथॉरिटी से यही पता चला कि इतना नुकसान अभी तक उन्होंने भी नहीं देखा है, इतना ज़्यादा नुकसान और इतनी सी बर्फ में भी। तो ये नुकसान होने के बावजूद भी जो रिस्टोरेशन हुई है उसमें अप्रिसिएशन तो मिली है लोगों की, ऐसा नहीं है, लोगों ने भी साथ बहुत दिया है।